नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नॉट पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। पूर्व जन्म देखना, शीशे के प्रयोग से अपना पूर्व जन्म देखना, क्यों आए हो इस जन्म में, क्या कार्य संपूर्ण करना है। सर्वप्रथम निवेदन रहता है चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। 3 मेरा चैनल है गुरु गोहना शिव गोरक्षण और अच्छा से बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु बा को चेला को गुरु ने किसी के जान से मत फंसना। सभी धर्मों का आदर्श कर्मन करते और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। साधना सिद्धि पे चलना है, गुरु सनिधि गुरु कृपा से चलना है। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो, लाइव चैट में फ्री बात कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करना sanina.blogspot.com, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मात्र शीशे के प्रयोग से अपना अगला पिछला देखना और क्यों आए उस कर्म। सर्वप्रथम ये विधि करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विधि एक तरह की हठ योग का पाठ बोल सकते हो, ध्यान के माध्यम से बोल सकते हो। यानी कि अपनी स्वयं इंद्रियों के ऊपर, यानी कि अपनी जितनी इंद्रियां हैं उनके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। ये क्रिया आपने नित करनी है। एक शीशा ले लेना है आपने। शीशा इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका मुख उसको, मतलब आपका जो मुख है पूर्ण दिखना चाहिए उसमें, यानी कि पूरा दिखना चाहिए उसमें। और आपने उस शीशे को अपने आगे रख ला। ये क्रिया आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, यानी कि 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच बीच में ही करनी है। और या फिर आप इस क्रिया को रात्रि को कर सकते हो एकांत में। दूसरी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्रिया को करने से पहले आप सभी से निवेदन रहता है कि किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए पहले चैनल को अच्छे से फ्रोल के देख ले फिर, क्योंकि बिना गुरुओं के कभी भी साधना सिद्धि अथवा किसी भी ऐसी क्रिया के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। पूर्ण रूप से जन कल्याण हेतु ही यहाँ पे और सभी धर्मों का आदर्श कर्मन करते हुए ही यहाँ पे मेरा काम सिर्फ जानकारी देना। मात्र उस शीशे को अपने आपने आगे रख लेना है और उस शीशे में जब आपका चेहरा देखे तो आपने सिर्फ अपनी ही आंखों में देखना, यानी कि स्वयं को। ये एक तरह की हिप्नोटाइज विधि है। इस विधि से क्या होता है कि आप स्वयं के अंदर ही गुम हो जाते हो। और याद रखना, ये क्रिया करने से पहले आपको सिद्धि प्राप्त करनी होगी। इस चीज़ को आपको पूर्ण रूप से जब आपको सिद्ध हो जाएगा फिर ही आप वो चीज़ देख सकते हो, क्योंकि आपको उस लेवल तक जाना और उस लेवल तक पहुंचने के बाद अपने जो मन के प्रश्न हैं उनको कमांड देना और उन कमांडों के आधार पर ही अपने जो मन की बातें हैं उन प्रश्नों के उत्तर। इससे आप किसी व्यक्ति के बारे में भी जान सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना। सारी सर्विस पेड है। आदेश देश जय गुणता।